हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन लर्निंग हब। लेट्स कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग क्लास 5। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, वी नो व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाईड टुगेदर द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हमें पता है जब दो नंबर कोई भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। मींस 2 × 3 = 6, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। Okay, factors. What are factors now? Each of two numbers multiplied together to give a product is called a factor of that product. For example, 4 and 6 are the factors of 24. Yes, ये जो है 2 और 3 क्या हो गए? 6 के factors हो गए. Right? 4 and 6 are the factors of 24 because 6 4 is 24. Because 4 times 6 is 24. We can find the factors of a number either by using multiplication or division method. Find the factors of 28. 1 × 28 = 28. 2 × 14 = 28. 3 × 7 = 28. Sorry, ये 3 के टेबल में तो आएगा नहीं 28. 4 × 7 = 28. तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से 28 को डिवाइड करो 1 से 28 तो 1 भी फैक्टर हो गया। 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 फैक्टर हो गया। 28 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा। 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, 7 फैक्टर। 7 के टेबल में भी 28 आता है। 7 × 4 = 28, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे उसके। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दी 28। 14, 28, 1, 2, all these are the factors of 28. Now generally speaking, if one given number exactly divides another given number, the first number is a factor of the second number. अगर पूरा का पूरा divide कर दिया है first number को second number से तो वो उसका factor बन जाता है। Properties of factors, of factors की properties क्या क्या होती हैं? One is the factor of all numbers. सबसे पहले जो one होता है वो सब numbers का factor होता है। जो one होता है वो सारे numbers का factor होता है। We can divide any number by with one without leaving any remainder. So one is the factor of all numbers. It is also smallest factor of the number and it is also called the smallest factor of the number. सबसे छोटा factor होता है numbers का। 18 divided by 1 equals to 18. 1844 divided by 1 equals to 1844. So one will be the factor of all numbers. Even non-zero numbers is the factor of itself. We can divide any number with itself getting the answer as I without leaving any remainder. जो नंबर है अगर हम उस नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी वो उसका खुद का फैक्टर बन जाएगा। इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर एंड दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। सपोज अगर मैं 9649 डिवाइड बाय 9649 कर रही हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। इसका मतलब ये नंबर खुद अपने नंबर का भी फैक्टर है और ये जो नंबर होता है वो अपने नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ओके, सबसे बड़ा फैक्टर कहलाया जाता है। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। हर एक नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक वन होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, इट हैज टू फैक्टर। फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज ईदर लेस और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर जो होते हैं इज ईदर लेस और इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, या तो इस नंबर से कम ही होंगे उसके फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, या वो खुद होगा या वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे कम होंगे फैक्टर्स नॉन जीरो नंबर्स के। जीरो, एवरी नॉन जीरो नंबर इज द फैक्टर ऑफ जीरो। जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो फैक्टर जीरो के भी फैक्टर होंगे ही होंगे। जीरो डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाय 6, 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी जीरो ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल्स। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर ऑफ अ नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैक्टर्स और मल्टीपल्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर नॉट काउंटेबल। जो नंबर का मल्टीपल है वो खुद में काउंटेबल नहीं होगा। जैसे मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 × 1 = 8, तो ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल। 8 × 2 = 2 मल्टीपल, सॉरी जो ऑब्टेन हो रहे हैं 8 विल बी द मल्टीपल, 16 विल बी द मल्टीपल,
24 will be the multiple, 32 will be the multiple, 40 will be the first five multiple. मतलब जो टेबल पे आपके 10 तक के टेबल में जो भी आता है डिजिट या जो भी नंबर 8 से या उस नंबर से डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ दैट टेबल. सपोज 144 है, 144 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो ये 144 2 का मल्टीपल है. राइट, सो वी कैन राइट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल. हम टेबल को यूज करके किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है. 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इटसेल्फ नंबर आएगा, लेकिन उसके बाद अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मल्टीपल भी बड़ा होगा. 12 2 24 1 से ज्यादा बड़ा है ना, तो ये इसका मल्टीपल इससे ज्यादा होगा. 12 3 36 3 1 से बड़ा है तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीपल भी ऑब्वियसली बात उससे ज्यादा ही होगा. 0 इज द मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर्स. हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर विल बी 0 ओनली. राइट, 1 इज द मल्टीपल ऑफ ओनली वन नंबर दैट इज 1. 1 अपना खुद के 1 का नंबर का मल्टीपल है एंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो हर नंबर का खुद ही होता है. 12 1 12 13 1 13 वो नंबर जो है वो खुद अपने का ही मल्टीपल है, वो नंबर खुद इटसेल्फ का फर्स्ट मल्टीपल. फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स 40. अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. Now here first of all we have to write find all the factors. हमें factors निकालने हैं. Factors first question दिया हुआ है 40. इसके factor निकालने हैं. 40 को divide करेंगे पहले 1 से तो 40 आएगा. 40 को divide करेंगे 2 से तो कितना आएगा 20 आएगा. 40 को 3 से divide करेंगे तो remainder आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है. 3 से divide करेंगे तो नहीं आएगा. 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा. 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40. ठीक है, 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा. 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा. 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 40. राइट, 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए. 1 2 4 5 8 10 20 8 10 20 और 40 itself. ये हो गए 40 के factors. Right? ये हो गए 40 के factors. Okay? एक question और देख लेते हैं. 51 को 1 से divide करेंगे तो 51 आएगा. 51 को 2 से divide करेंगे तो remainder आएगा क्योंकि यहाँ पे last में 1 है तो ये 2 से divide नहीं होगा, odd number है. 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा क्यों, क्योंकि 5 प्लस 1 6 होता है तो 3 की टेबल में 6 आता है तो डिवाइड करके देगी 51 को. 51 डिवाइड बाय 3 कितना जाएगा, 3 1 3 1 2 1 3 7 21 17 आएगा. 51 डिवाइड बाय 4 6 और तो ये नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. 51 डिवाइड बाय 5 नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. 51 डिवाइड बाय 6 नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. 51 डिवाइड बाय 7 नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. 51 डिवाइड बाय 8 नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. 51 डिवाइड बाय 9 भी नहीं जाएगा, रिमाइंडर आएगा. और 51
10 से भी रिमाइंडर आएगा। तो 51 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, 1, 3 और खुद 51, बस ये फैक्टर्स हो गए 51 के, राइट। नेक्स्ट इज 56 को डिवाइड करके देखें, 56 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 56, 56 डिवाइड बाय 2, यस ये चला जाएगा, इवन नंबर है, 56 डिवाइड बाय 3, ये नहीं जाएगा, डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, ये रिमाइंडर आएगा 56 डिवाइड बाय 4, 4 से चला जाएगा शायद, ये 56 नहीं जाएगा, 56 डिवाइड बाय 5 नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 हो तब 5 डिवाइड होता है, तो नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। 56 डिवाइड बाय 6, अब 56 डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 56 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, 8 7 का 56, 56 डिवाइड बाय 8, यस 8 7 का 56, 56 डिवाइड बाय 9, यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा 56 डिवाइड बाय 10 भी रिमाइंडर आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 28 हो गया, 56 हो गया, 14 हो गए, ये हो गया उसके फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 56। आई होप क्लास आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चन ही कर पाएंगे, 63, 68 एंड 102, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट, 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत इजी है, 7 एंड 9, हमें 7 का मल्टीपल लिखना है, 7 के मल्टीपल लिखने, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, तो ये हो गए फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, ऐसे ही आपको सारे करने हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 7, 14, 21 एंड 28 आर दी 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, ओके। सिंपल मल्टीपल्स में आपको टेबल लिखनी होती है, सो 9, 4, 11, 17 एंड ये 15 जो है, 15 कर दीजिए इसको, इनके मल्टीपल्स आप लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यू मे मूव डाउन एंड एरो विच लेटर एट द बॉटम डू यू एंड एट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, लीव दिस पजल एंड यू विल सॉल्व आफ्टरवर्ड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर राइट नाउ। नाउ व्हाट आर प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, व्हाट आर प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, 1, 1, 2, 1 and 2, 3, 1 and 3, 4, 1, 2, 4, these are the factors, 5, 1 and 5, 6, 1, 2, 3 and 6, 7, 1 and 7, ये सारे इनके factors हैं, 8, 1, 8, 1 से भी divide हो जाएगा, 2 से भी divide हो जाएगा, 4 से भी divide हो जाएगा और 8 से भी divide हो जाएगा, 9, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 1, 2, 5, 10, 11, 1 and 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिस जिसके table में 12 आता है, वो सारे इसके factors हो जाएंगे, 13 से 1 और 13, 14, 1, 2, 7, 14, 15, 1, 3, 5, 5, 15. From the table we can notice that some numbers have only 2 factors, while others have more than 2 factors. कुछ numbers ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2-2 factors हैं, कैसे 11 के, 13 के, 7 के, 5 के, 2 के, इन सब के 3 के, इन सब के क्या है, सिर्फ 2-2 factors हैं, right? तो prime numbers, prime number numbers that have only two factors, one and itself, जो खुद एक तो one है उसका factor और वो खुद number है, one है और खुद 11 है,
वन है आपको थ्री है, वन है इनपुट टू है, तो दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स, जिनके फैक्टर्स वन होता है और वो खुद नंबर उसका फैक्टर होता है, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर्स। जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ओके, सो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 30 आर, 1 से लेके 30 के बीच के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 1 ओनली एंड बाय दैट नंबर इटसेल्फ। 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज द प्राइम व्हाइल अदर आर ऑड नंबर्स। सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, उसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स है वो ऑड नंबर्स होते हैं। सिर्फ 2 एक इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, अदरवाइज सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर ही होते हैं, ये याद रखिएगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, इसको मार्क कर लीजिए, एस्ट्रिक नोट लिखिएगा, ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखना है, ये भी डेफिनेशन भी कॉपी में लिखनी है, प्राइम नंबर व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ये भी कॉपी नोटबुक में लिखिएगा, नंबर्स बिटवीन 1 टू 30, ये पूरा आपको नोटबुक में लिखना है एस्ट्रिक मार्क करके। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। वी ऑल्सो नोटिस फ्रॉम सो दोज नंबर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। वी ऑल्सो नोटिस फ्रॉम द टेबल दैट सम नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, तो जिनके जिन नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन टू हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4, इसको भी एस्ट्रिक करके आप यहाँ नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 टू 30 आर 4, 6, जितने भी जो डिविजिबल हो सकते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। ये पूरा आप जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी में लिखेंगे। I am number 1, neither prime or composite. I have only one factor, that is me itself. I call the unique number. जो one है ये भी आप लिखेंगे, one की definition है ये, definition, define one. ये question डाल के लिखेंगे, I am number one, neither prime or composite. I have only one factor, that is me itself. One is called a unique number. Now how to find the prime number? The Asian Romans, Greek and Egyptians were the founders of the mathematician. Among the Greeks, one worth mentioning mathematician was Eratosthenes. He lived over 2000 years ago and found a method of selecting the prime numbers from all the natural numbers. The Asian Romans, Greek, Egyptian जो थे were the founders of mathematics, जिन्होंने mathematics को found किया था। Among the Greeks, one of the mentioning mathematics, एक mathematician Greeks में से थे, उनका नाम था Eratosthenes. He lived 2000 years ago, वो 2000 साल पहले रहते थे, and found a method of selecting, उन्होंने method found किया था टू सिलेक्टिंग द प्राइम नंबर्स फ्रॉम ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में से, सारे नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को कैसे निकालना है वो उन्होंने फाइंड आउट किया था, देखिए दिस इज द मेथड, राइट ऑल नंबर्स 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स को लिख लीजिए, स्ट्राइक द नंबर्स विच एंड विद 0, 2, 4, 6 and 8 एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के जितने भी नंबर्स 2 से एंड हो रहे हैं, 4 से एंड हो रहे हैं, 6 से एंड हो रहे हैं, 8 से एक्सेप्ट एंड हो रहे हैं, उनको कट कर दीजिए, सारे 6 वाले नंबर्स एंड कर दीजिए, 4 वाले सारे काट दीजिए, 2 वाले सारे कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक द नंबर्स विच एंड्स विद 5 वाले भी कट कर दीजिए, हमने सारे 5 वाले भी कट कर दिए। स्ट्राइक द नंबर विद 3 मल्टीपल ऑफ 3 और 9, 3 वाले सारे मल्टीपल कट कर दीजिए, 3 की टेबल में जो जो आते हैं 9 आता है, जितने भी टेबल्स में आते हैं वो सारे कट कर दीजिए। स्ट्राइक द डिजिट strikes the digit which are divisible by 7 except 7, 7 से जो divide हो सकते हैं उनको भी cancel कर दीजिए, 21 cancel कर दीजिए, 7 की table में जो जो words आते हैं वो सारे cancel कर दीजिए यार, okay। उसके बाद strike the numbers which are divisible by 11,
इलेवन की टेबल में जो जो नंबर आते हैं, 22 आता है, 11 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, सारे नंबर्स को कट कर दीजिए। 10 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं उनको सबको कट कर दीजिए। ओके, नाउ द रिमेनिंग नंबर्स विच आर अनस्कोर्ड आर प्राइम नंबर्स। जितने नंबर्स बचे वो नंबर्स अब प्राइम नंबर्स है। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। अब आप खुद सोच लीजिए, ये सारे नंबर्स कभी किसी टेबल में नहीं आते, ये या तो ये वन की टेबल में आएंगे या ये खुद की टेबल में आएंगे, उसके अलावा ये किसी की टेबल में भी ये नंबर्स नहीं आते हैं। ओके क्लास 5, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डू रीड योर बुक अगेन।